जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, नदी नाले, झील झरने और निश्चल आदिवासी जीवन शैली, यही झारखंड है। सादगी और सौंदर्य का अनूठा स्थान, और जब ये गतिमान होता है तो जैसे एक अनकही कहानी, एक अनसुना गीत और एक अनजाना राग चल पड़ता है। तब लगता है कि यहाँ के हर कतरे, हर बूंद में एक कहानी है। ये बूंद एक मोती हो सकती है या फिर एक मंदूली। मंदूली से जुड़ी ये कहानी भी झारखंड की इसी अद्भुत परंपरा की एक बानगी है। बड़ा बेटा को मिस्त्री बनाए हैं और छोटा बेटा मेरा के साथ अभी ट्रेनिंग कर रहा है और बच्चा सब भी सीख रहा है। बच्चा लोग तो अभी ठीक काम चल रहा है। पीढ़ियों से इन गहनों को बनाने वाले कलाकारों के बेटों ने भी इस हुनर को जारी रखा है। काम मेरा बाप से ही सीखे हैं हम। मेरा पिताजी पहले से काम करते जेवर बनाते थे। व्यवसायी हम लोग का जेवर का ही व्यवसायी है और हम बचपन से ही मैंने 3 क्लास में पढ़ते थे उस टाइम से हम बैठ के देखते थे ध्यान से और काम करते थे और सीखे। और मेरा पिताजी अभी गुजर गए और हम ही बनाते हैं अभी ट्राइबल ज्वेलरी का डिजाइन, जो पुराना डिजाइन है वो सब हम बना लेते हैं। बेशक यहाँ जीवन कठिन है और सुविधाओं का अभाव भी, पर इनमें सौंदर्य बोध समग्रता में दिखलाई पड़ता है। ये ठीक ठीक कहना तो मुमकिन नहीं कि झारखंड में गहनों का प्रयोग कब आरंभ हुआ, पर यह निश्चित है कि अन्य सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों की तरह ही गहनों के प्रयोग में भी अद्भुत सामाजिक समरसता के दर्शन होते हैं और आदिवासी सदान दोनों ही समान रूप से इनका उपयोग करते हैं। झारखंड में गहनों का इतिहास कहें या कहीं भी, गहनों का इतिहास प्रारंभ होता है प्रकृति जगत में। प्रकृति में जो सौंदर्य है वो मानव को सदैव आकर्षित करता रहा है। जब वो जंगल में रहते थे तो जंगल के फूलों से, पत्तों से, तरह तरह के पत्तों की आकृतियों से अपने को लोग सजाते थे। और दूसरे दौर में जब प्राकृतिक साधनों के अलावे जब वो अपने जीवन में धातुओं का प्रयोग करने लगा तो धातुओं का प्रयोग वो अपने गहनों के रूप में करने लगा, जिसमें प्रारंभिक जो इतिहास बतलाता है सबसे पहले तांबे का युग आया पाषाण काल से, और पाषाण काल के बाद तांबे का, और तांबे के बाद लोहे का युग आया, और लोहे के बाद अलग अलग धातुओं का काल आता है। तो पत्थरों के भी जो चमकदार और क्रिस्टाइल होते हैं, जो कांच की तरह चमकने वाले या हीरा पन्ना मोती, ये सब भी पत्थर ही हैं, उसको भी एक विशेष आकृति में तोड़कर लोग गहने के रूप में उसको बनाना प्रारंभ किया। और बाद में चल करके उन्होंने सोने और चांदी, हीरे मोती वगैरह का प्रयोग इन्होंने किया। झारखंड की संस्कृति में पारंपरिक गहनों की विशिष्ट भूमिका रही है। जनजातीय महिलाएं अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए तरह तरह के गहनों से अपने को सजाती रही हैं। प्रारंभ से ही गोधना को भी झारखंड में व्यापक स्थान मिला है, इसलिए इस प्रदेश में आभूषणों के विविध रूप मिलते हैं। ये जानना बहुत रोचक है कि परंपरा और गहनों के प्रयोग के बीच यहाँ सिर से पैर तक गहनों का क्या चलन रहा है। यहाँ नारियों के श्रृंगार के
कई रूप मिलते हैं। यहाँ स्त्रियां सिर के बालों को बांधकर कई तरह के चूड़े बनाती हैं और उन्हें संभाल कर रखने के लिए उनमें घोंघसो छींका, छतना अथवा सिकड़ी श्लोक लगाती हैं। ये लकड़ी और लोहे, चांदी आदि धातुओं के बने होते हैं और इनमें कई तरह की कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। ककई का प्रयोग भी घोंघसों की तरह ही किया जाता है। वस्तुतः ककई कंघी का देशी रूप है जो सामान्यतः बांस का बना होता है। टइयां का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है, परंतु ये विशेष रूप से नृत्य के समय किया जाने वाला श्रृंगार है। सिर के श्रृंगार में कुछ गहने पहने जाते हैं जिनमें मांग टीका और पटवासी प्रमुख हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग विवाह के समय किया जाता है। यहाँ स्त्रियां कानों के श्रृंगार के प्रति बहुत सजग दिखती हैं। कान में कनौसी, कनपासा, तरपत, बाली, झुमका, तरका तरकी, उपरकाना, मुंद्रा, करंज फूल आदि कई प्रकार के आभूषणों के प्रयोग मिलते हैं जो अलग अलग डिजाइनों के हैं और प्रकारांतर से एक या अधिक छिद्रों में स्त्रियां धारण करती हैं, जबकि मुंद्रा पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला कान का गहना है। कनौसी सबसे आरंभिक गहना है जो कान में छिद्र बनाने के बाद डाला जाता है। ये मुख्यतः तांबे या पीतल का तारनुमा आभूषण है जिसमें कलाकारी का प्रयोग कम ही होता है, क्योंकि ये बहुधा कान छेदने के बाद होने वाले घाव के भरने और छिद्र के तैयार हो जाने तक ही धारण किया जाता है। कर्ण छेदी एक संस्कार ही है, तो उसमें लोग पहले एक दिन तय करके कर्ण छेदी करते थे, उसमें तांबे की कनौसी वगैरह डाल के पहनाते थे। ऐसे जो लड़का बच्चा होता था उसको कनौसी डाल के निकाल दिया जाता था और लड़की बच्चियों में वो रहने दिया जाता था, और फिर कुछ बड़ी हो जाती थी तो उसको निकाल दिया जाता था, उसके जगह में कुछ दूसरे गहने डाल दिए जाते थे, छोटे गहने डाल दिए जाते थे। पारंपरिक रूप से कान के छिद्रों को बड़ा करने के लिए कनौसी के बाद झाड़ू घास के तिनके, बबूल के कांटे, गंगई के डंठल के बाद ताड़ के पत्तों को गोलाई में लपेट कर डाला जाता है। तरपत मुख्यतः ताड़ के पत्ते से तैयार किया जाने वाला आभूषण है, लेकिन इसके भी कई स्वरूप मिलते हैं और अब इसमें सोने चांदी के धातुओं का भी प्रयोग होने लगा है। ताड़ के पत्ते से बना होने के कारण ही इसे तरपत कहा गया, लेकिन बाद में चलकर तरपत के बहुत प्रयोग हुए और धारण किए जाने वाले कान के सभी गहनों को तरपत कहा जाने लगा। यों कानों में ज्यादातर चांदी के बने गहने धारण किए जाते हैं जिनका आकार प्रकार क्षेत्र विशेष का और कभी कभी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ इन गहनों में आधुनिकता और सौंदर्य बोध का विकास भी होता गया है। इसी तरह गले में मुख्यतः चांदी, सोने, मूंगे और कांच की मोतियों की मालाएं भी यहां स्त्रियां पहनती हैं। इन्हें सिकड़ी, हंसुली, हैकल, खंभिया, कंठा, चंदवा, मंदूली या मुंदली, मुहरमाला आदि कहते हैं। चंद्राहार भी यहां महिलाएं शौक से पहनती हैं। दरअसल ये सिकड़ी ही है जिसमें प्रायः तीन लड़ियां होती हैं और पीछे के भाग में हार की आकृति होती है, इसलिए इसे चंद्राहार कहा जाता है। इसी तरह गले की सिकड़ी या सिकरी में लड़ियों की संख्या और उनके बीच बने चांदों की संख्या भी श्रृंगार के साथ साथ समाज में स्त्री के स्थान का परिचायक रही है। पुरुषों के द्वारा भी गले में बंधना या ठोंसा पहनने का चलन रहा है। दरअसल गले के आभूषणों में इनके नाम की तरह ही काफी विविधता मिलती है। चांदी की हंसुली का भार कभी 2 सेर तक होता था। ये उस परिवार की संपन्नता के अनुरूप होता था, लेकिन हंसुली की आकृति और सजावट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक और खास आभूषण गले में धारण किया जाता है जिसे मंदूली, मांदुली या मुंदली कहते हैं।
संभवतः जब पहली बार इस गहने का प्रादुर्भाव हुआ तो इसकी आकृति झारखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मांदर या मांदल की तरह होने के कारण ही इसका ये नाम पड़ा। मंदूली हार बनाने में इस कारीगर को विशेषज्ञता हासिल है। आधुनिक स्वरूप में ये अर्धचंद्राकार होता है और बहुधा चांदी तथा सोने का बना होता है। इसकी खास आकृति के कारण इस गहने की मांग विदेशों तक में रही है और प्रशंसित भी हुई है। इसका नाम है मंदली हार। ये गला में लेडीज लड़की लोग पहनती है। मार्केट अच्छा है, बिक्री उक्री बढ़िया होता है, विदेश तक आदमी ले जाता है मांग खरीद के। पारंपरिक गहने बनाने वाले ये कलाकार बदलते समय और अभिरुचि के अनुसार इसमें आधुनिकता का रूप भी देते हैं। परंपरा से हम लोग को पुराना डिजाइन बनाते आ रहे हैं, मांग होते हुए रहा है पुराने डिजाइन का, लेकिन कलकत्ता से हम लोग को एक बड़ा साहब मैंने आए ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए नया डिजाइन का। और जैसे अभी पुराना डिजाइन का मांग छोड़ के नया डिजाइन का भी कुछ आता है तो उसमें आधुनिक जोड़ के और बना के देते हैं। पहले हमारे दादी लोग दूसरा टाइप का पहनती थी और समय का परिवर्तन होते होते और पहनाव में भी बदलाव आए और दूसरा टाइप का हम लोग पहनने में पसंद करते हैं और दूसरा टाइप का बनाने में हम लोग मिस्त्री लोगों को आदेश देते हैं और बना करके हम लोग पहनते हैं। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि एक रूप को पहनते पहनते लोग ऊब जाते हैं, उसका सौंदर्य लगता है फीका पड़ने लगता है, तो उसमें नवीनता लाने के लिए फिर से नए नए आकृति में डिजाइन में उसको फिर से वापस लाते हैं। यही बात नाक की छूछी, लवंग, झूलनी, नक बेसर, बुलांक, नथिया, नथ आदि में भी लागू होती है, लेकिन इसमें प्रायः सोने का प्रयोग ही होता है। चांदी के नाक के आभूषण भी बहुत विशिष्ट होते हैं। नाक में पहनी जाने वाली छूछी के भी कई रूप हैं, जिन्हें कटकी छूछी, सुग्गा ठोरिया छूछी, बउर फूल छूछी आदि कहते हैं, जो छूछी की खास आकृतियों को जतलाते हैं। ज्यादातर स्त्रियां नाक के एक ओर ही गहना पहनती हैं, लेकिन बुलांक, झुल्ली, नथिया आदि कुछ गहनों की खास आकृतियों को पहनने के लिए नाक के दोनों छिद्रों के बीच वाले भाग में भी छेद किया जाता है और कुछ स्त्रियां नाक के दोनों ओर गहना पहनती हैं। हालांकि शौक से कोई भी नाक के सारे गहने धारण कर सकता है, लेकिन कई बार ये इस बात का परिचायक भी होता है कि नाक के दोनों ओर गहने धारण करने वाली स्त्री किस जाति या समुदाय से है। झारखंड में नाक में भी भारी गहने पहनने का चलन रहा है। शरीर के सबसे मुख्य भाग, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए धारण किए जाने वाले इन पारंपरिक गहनों की अहम भूमिका रही है। सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ ये गहने विषम परिस्थिति में भी काम आते हैं। हमारे क्षेत्र में ये सब सामान पहनना बहुत ही पसंद करते हैं। ये सब सामान हम लोग पर्व त्योहार में बहुत पसंद करते पहनने के लिए, और शादी विवाह में हम लोग ये सब सामान पहन करके नाचते हैं। जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है पैसा का, तो भी ये सब सामान हम लोग बाज़ार में ले जा करके हम लोग पैसा से बंधक में दे देते हैं। ये सब सामान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हम लोगों के क्षेत्र के महिला लोग बहुत ही पहनने में पसंद करती है। चांदी के बने ठेला, बाला, पहुंची, छंद आदि पहनने का चलन झारखंड में परंपरा से रहा है। इसके भी कई रूपों के दर्शन होते हैं। बाह में तागा अथवा टणिया का प्रयोग किया जाता है, जो चांदी का बना होता है। अंगूठी का चलन यहाँ काफी कम रहा है, लेकिन चांदी, लोहे, तांबे और शंख की अंगूठियों की परंपरा रही है। कमर में कमरधनी का चलन पारंपरिक रूप से रहा है, लेकिन काफी सीमित रूप में। हाँ, कमर में चांदी का बना चाबियों को रखने वाला गहना भी स्त्रियों में लोकप्रिय रहा है, पर इसे श्रृंगार का अंग नहीं कहा जा सकता। झारखंड में पांव की सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ स्त्रियां पांव में पैरी पहनती हैं, ये चांदी का बना होता है। आजकल पांव में पायल का चलन भी मिलता है।
लेकिन प्रायः नृत्य करते समय नारी इसका प्रयोग नहीं करती। पैर की अंगुलियों में चांदी का बिछिया परंपरागत रूप से पहना जाता रहा है। परंपरा का उल्लेख किया जाए और गुदने की चर्चा ना हो तो झारखंड की स्त्रियों के सौंदर्य बोध की बात अधूरी ही रहेगी। दरअसल गुदने को गरीबों का गहना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुदना या कोदना का ही आधुनिक स्वरूप है टैटू, जो आजकल काफी प्रचलित है। गुदने की परंपरा गहनों के अलावा कुछ मान्यताओं से भी जुड़ी है। लोकगीत में नायिका अपनी सखी से कहती है कि सखी, सोने चांदी का गहना तो मृत्यु के साथ ही शरीर से उतार लिया जाएगा, लेकिन गुदना का गहना ही है जो मेरे साथ जाएगा। जिंदगी का चिन्ह है कोई, ये हम इनका आदिवासी का चिन्ह है, साथे साथ जाएला। मोरी जबू से दिन आयो नथियो के खोली तो ले बे खुदा नि करे खुदा के मोय संगे ले जाबू। मोरी जबू से दिन आयो काना करे खोली तो ले बे मोरी जबू से दिन आयो, मोरी जबू से दिन आयो पार के खोली तो ले बे मोरी जबू से दिन आयो संगे। गोदना के आभूषण के रूप में प्रयोग करने के पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है कि महिलाओं को अपने जीवन में प्रसव वेदना झेलनी पड़ती है और उस प्रसव वेदना को झेलने के लिए इस तरह की सात सुइयों की चुभन लोग घंटों सह लेते हैं। तो जो इतने सुइयों का सात सात सुइयों को घंटों अगर सहन कर ले चुभन को, तो प्रसव वेदना या अन्य जीवन में आने वाली जो कष्ट है उसको बड़ी आसानी से झेल लेती है। इसके पीछे गहनों के पीछे ये उसका मूल कारण रहा है। जाहिर है कि गुदना शरीर पर गुदवाया जाता है। झारखंड में हाथों, पांव, गले और ललाट पर सुंदर आकृति के गुदने गुदवाने की परंपरा रही है। गुदना सरसों के तेल के दिए से इकट्ठा की गई कालिक को स्त्री के दूध में मिलाकर बबूल के या अन्य नुकीली चीज से गोद कर त्वचा पर बनाया जाता है। ये प्रक्रिया कष्टदायी होती है और कभी कभी घाव काफी दिनों तक रह जाता है, लेकिन इसको बनाने वाले कलाकार इन तमाम परेशानियों की जानकारियां रखते हैं और सुसंगत उपचार करने में सक्षम होते हैं। एक बार घाव सूख जाने पर बनाई गई आकृति जीवन पर्यंत बनी रहती है। यहाँ लाह, कांच एवं शंखा की बनी चूड़ियों का प्रचलन भी मिलता है। झारखंड में लाह, बांस, टेराकोटा के आभूषण का भी चलन रहा है, जिसकी मांग देश विदेश के बाजारों में दिनों दिन बढ़ रही है। बाजार विकसित कर जनजातीय आभूषणों की बिक्री के लिए ट्राइफेड, झारक्राफ्ट, झास्को लैम्प, खादी ग्राम उद्योग ने नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। हमने हर जगह इसको प्रशिक्षण को प्रोवाइड कराया है, खूंटी में, सिलादोन में, नामकुम में, आपके झास्को लैम्प की ऑफिस में, और जितनी भी सीखने वाली महिलाएं हैं हमने पूरा प्रयास करके इन लोगों को सबको माने कारीगर बनाने की कोशिश की है और सारे ही आदमी कारीगर बन गए हैं। झारखंड के पारंपरिक आभूषणों को राजधानी रांची के होटवार स्थित राजकीय संग्रहालय में भी करीब से देखा जा सकता है। पारंपरिक गहनों को बचाने के लिए जो अभी शादी विवाह में बेटियों को उपहार स्वरूप दिया जाता है उसमें कुछ पारंपरिक गहने दिए जाए, जिस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो असली रूप है उसको हूबहू बनवा करके उसको रखा जाए, प्रदर्शनी में रखा जाए, प्रचार किया जाए। जितने भी नागपुरी में या क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनती हैं उसमें पारंपरिक गहनों को अगर पहनाया जाए तो उससे भी हम अपने गहनों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक गहने हैं वे हमारे संस्कृति के द्योतक हैं और अगर हम इन्हें बचाकर नहीं रखें तो ये मौखिक रूप से, लिखित रूप से ही रह जाएंगे, इनका दृश्य रूप दुर्लभ हो जाएगा। अगर किसी एक विशेषता को केंद्रित करना हो
तो हम कह सकते हैं कि सौंदर्य भूत के साथ साथ इन गहनों में पारंपरिक नृत्य के लिए सजने सवरने पर खास ध्यान दिया जाता है। झारखंड में पारंपरिक गहनों की अगर स्थिति देखी जाए तो जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं तब लोग पारंपरिक गहनों का प्रयोग करते हैं, और विशेषकर विवाह शादी के समय या पर्व त्योहार के समय लोग पारंपरिक आभूषणों का प्रयोग अधिक करते हैं। आभूषणों के मामले में पुरुष भी पीछे नहीं हैं, और खासकर पुरुष भी उत्सवों तथा नृत्य के समय काफी सजते रहे हैं। कहना नहीं होगा कि झारखंड के सौंदर्य बोध में गहनों को व्यापक स्थान मिला है, और सोने चांदी से परिपूर्ण होने के बावजूद यहाँ के पारंपरिक आभूषणों में सादगी और सौम्यता के दर्शन होते हैं। तभी तो जब झारखंड का कोई भी पारंपरिक दल नृत्य गीत के लिए अखरा में उतरता है तो इस सौंदर्य बोध के उदात्त स्वरूप का दर्शन साकार होता है, और दर्शन होता है गहनों के सौंदर्य बोध का, जो झारखंड की कला धर्मिता की अपनी विशिष्ट पहचान है, अपना विशिष्ट स्वर है। विलुप्त नहीं होना देना चाहते, इसका डिजाइन हमको बहुत पसंद है और ये काम हमको बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं इसको करते आ रही हूँ पापा के साथ। प्रमोट करना चाहती हूँ, बाहर के मार्केटों में ले जाना चाहती हूँ, और ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हर कोई इसको यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ये इतने खूबसूरत डिजाइन, ये आदिवासी डिजाइन है किंतु बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि इस डिजाइन को बाहर के मार्केट तक ले जाने का योगदान करें। समय के साथ इनके उपयोग और चलन में एक ठहराव दिखता है, लेकिन इन गहनों की मोहक आकृति नए परिदृश्यों में युवाओं को लुभाती हुई दिखती है, और तब ये यकीन करने को जी चाहता है कि अपनी विशिष्ट आकृति से विदेशियों को भी आकर्षित करने वाली मुंदली या मंदूली की तरह ही झारखंड के परंपरागत आभूषणों को नई पीढ़ी शिद्दत के साथ अपनाएगी और इन गहनों का चलन जोर पकड़ेगा।